सो हे गाइस, तो कैसे हो सब लोग। तो गाइस आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि गाइस मैं आज बताने वाला हूं गाइस कि मेरे को जो है स्ट्रीमर्स बैच, यहां पे आप लोग देख सकते हो स्ट्रीमर्स बैच और वी बैच, ठीक है, ये दोनों बैचेस गाइस कैसे मिले थे और गाइस किस तरीके से जो गाइस मेरा जो आईडिया वो जो है ट्रांसफॉर्म हुआ था एक टाइम पे, जो है गाइस मैं किस तरीके से खेलता था और गाइस 2017 का भी गेम प्ले मैं बताने वाला हूं आप लोगों को। तो गाइस बहुत सारे बंदे गाइस मुझे बोलते हैं कि मतलब नयन भाई ये जो आईडी है तुम्हारी वो खरीदी हुई आईडी है, तो गाइस आज इस वीडियो में गाइस मैं प्रूफ कर दूंगा कि गाइस मेरी आईडी मैंने खुद बनाई हुई आईडी है, खुद मेहनत करी है, सारी चीज़ें एक से एक चीज़ें जो है 400-400 का टॉपअप करके गाइस मैंने हिप हॉप खरीदा हुआ है और गाइस मतलब सारी चीज़ें जो गाइस मैंने खुद से बनाई हुई है, पूरी आईडी जो है कलेक्शन जो है पूरा मैंने खुद से किया हुआ है और गाइस खुद से किया हुआ कलेक्शन उसी को गाइस यहाँ पे हम लोग मेहनत बोल सकते हैं। और गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि सामने बंदा जा रहा है गाइस और मेरा जो है ये 2017 या फिर 18 का गेम प्ले हो सकता है, तो गाइस देख सकते हो एक भी गोली लग नहीं रही सामने वाले बंदे को, 16-16 का लगा और गाइस जब ड्रैग भी नहीं लगते थे, कुछ भी नहीं लगते थे, मतलब गेम ही पूरा बहुत ही गिने चुने लोग खेलते थे। तो रही बात गाइस मेरे आईडी की, अभी ये वीडियो जो मैं आईडी अपने आईडी पे बनाने वाला हूं, तो गाइस यहां पे आप लोग देख सकते हो मेरी जो आईडी है 1488-0273, ठीक है। तो गाइस ये वाली आईडी 2018 का गेम प्ले और गाइस ये अभी वाली आईडी, यहां पे भी देख सकते हो आप लोग 1488-0273, दोनों में आईडी कंपेयर कर सकते हो। ओके सो गाइज अभी गिल्ड के ऊपर चलते हैं, तो गाइज यहाँ पे गिल्ड का नाम जो है गाइज एसएसएन आर्मी, जो अभी गिल्ड है इंडिया के टॉप 2 नंबर पे, तो गाइज यहाँ पे इस गिल्ड का नाम जो है मैंने अपना ही नाम रखा हुआ था नयन नाम से, मैं पता नहीं भाई मैंने कौन से लॉजिक से जो है गाइज यहाँ पे मैंने नयन नाम से ही गिल्ड का नाम रखा था। फिर उसके बाद में ओ भाई बंदा आया यहाँ पे, थोड़ा सा फाइट देखते हैं। ओ भाई सब गजब भेजती है भाई, क्या गंदा नुबड़ा गेम प्ले था भाई, ये गेम प्ले देख के भाई मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा है, हक दिया। सो गाइज मैं एसेसियन क्रीड नाम से बहुत ज्यादा गेम का फैन था, तो गाइज मैंने सोचा कि गिल्ड का नाम भी एसेसियन सी कर दे तो क्या होगा, तो मैंने फटाक से गाइज एसेसियन करके गाइज मैंने अपने गिल्ड का नाम यहाँ पे चेंज करके रख दिया और गाइज यहाँ पे ना मतलब मेरे जो एल्डर्स वेल्डर्स थे उन्होंने गाइज उनसे मैंने डिसाइड किया कि गाइज ये वाला नाम रखूँ, फिर उसके बाद में जो गाइज मैंने जो अपना गिल्ड का नाम एसेसियन रख दिया और गाइज उसी के साथ में मैंने एसेसियन गेमिंग नाम का चैनल भी खोल दिया हमारे पार्टनर मेरे पार्टनर के साथ में हुजाई के साथ में। सो गाइज चैनल के इसमें गाइज अगर देखा जाए तो गाइज कभी किसका चैनल डाउन हो सकता है, कभी किसका डाउन होके जो ऊपर उठ सकता है, कुछ बोल नहीं सकते, तो गाइज मेरा जो चैनल था वो डाउन हो चुका था, तो गाइज मुझे जो है गाइज अभी एक नई शुरुआत करनी पड़ी। तो सीन क्या था कि गाइज मेरा करियर जो है गाइज यहाँ पे वापस से रुक चुका था, तो गाइज मुझे मैंने ये डिसीजन लिया कि गाइज एक और चैनल बनाया जाए, वो चैनल का नाम रखा जाए एसएसएन आर्मी, जो हमारा सेकेंड चैनल रहेगा, तो गाइज मैं एसएसएन आर्मी जो है गाइज यहाँ पे चालू कर दिया और गाइज आप लोगों ने इतना तगड़ा सपोर्ट किया उस चैनल पे, तो मतलब मैंने सोचा भी नहीं था और गाइज मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मतलब मेरी आप लोगों ने 4 मिलियन फैमिली पूरी कर दी। तो गाइज ऐसी गाइज आप लोगों को अगर स्टोरी मोड सुनना है और भी मेरा, तो गाइज जल्दी से लाइक करो, 100K का लाइक है, मैं फटाक से वीडियो लाइक करो और गाइज चैनल को 42 लाख के सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब है, तो 42 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे कर दो, फटाक से नीचे जाओ लाइक करो सब्सक्राइब करो और बेल वाला नोटिफिकेशन नहीं दबाया तो उसको भी ऑल पे सिलेक्ट कर लो। सो गाइज मेरी जो जर्नी थी वो बहुत ही ओपी चल रही थी गाइज, मतलब 100K 200K 300K इतना तगड़ा सपोर्ट आ रहा था गाइज आप लोगों का। फिर उसके बाद में गाइज मेरे को ना मतलब फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम में जाना था, क्योंकि गाइज मुझे पता था कि वहाँ पे जो है गाइज बैच मिलता है और स्ट्रीमर्स बैच जो गाइज मिलने के बाद में मतलब अलग ही लेवल का, मीन्स थोड़ा सा मतलब होता है ना कि गाइज स्ट्रीमर्स बैच आपको भी लगता है कि हमें जो है वी बैच मिलना चाहिए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है गाइज, सबको वी बैच देना फ्री फायर नहीं दे सकता है। तो यही सीन मेरे साथ हुआ करता था कि भाई मैं जो हूँ एक यूट्यूबर बनूंगा और मेरे को मेरा मतलब मेन मोटिव ये था कि मेरे आईडी पे एक स्ट्रीमर बैच आना चाहिए, क्योंकि गाइस आप लोगों ने देखा होगा कि गाइस पुराने जो बंदे हैं गाइस, जो हमारे शब्बीर भाई हो, हमारे जॉन्टी भाई हो, अब जितने भी बड़े बड़े फ्री फायर के प्लेयर्स हैं गाइस, उनके पास में जब स्ट्रीमर्स बैच हुआ करता था और उनका लेवल अलग ही था तब। सो गाइज मैं फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम में तो आ गया, ज्वाइन हो गया, फिर उसके बाद में गाइज एक दिन ऐसा हुआ कि गाइज मैं एक दिन सो गया, सोने के बाद जब गाइज मतलब दूसरे दिन, ठीक है दूसरे दिन जब मैं उठा तो मेरे मतलब आईडी पे डायरेक्टली गाइज ऐसा जो मतलब स्ट्रीमर्स बैच बना हुआ आ रहा था, तब मतलब मैं तो इतना खुश हो गया ना गाइज, मेरा रिएक्शन कुछ तब ऐसा था। सो गाइज ये जो स्ट्रीमर्स बैच मिला था, तब गाइज ये स्ट्रीमर्स बैच में ना गाइज मतलब फॉलोइंग का ऑप्शन आता था, मतलब आप लोग जो है गाइज सारे अपने फेवरेट स्ट्रीमर्स को जो है गाइज फॉलो कर सकते हो, जो जो ओल्ड प्लेयर है और जो जो मीन्स फ्री फायर खेलता है पहले से 6-7 महीने पहले से, तो उनको पता है गाइज ये स्ट्रीमर्स बैच कितना रेयर और कितना ओपी था। तो गाइज आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि गाइज मतलब वी बैच आपके लिए अच्छा है या फिर स्ट्रीमर्स बैच, क्योंकि वी बैच जो है गाइज आप लोगों को गेम में दिखाई देता है, गेम में जब आप किल करते हो तब दिखाई देता है, लेकिन गाइज ये जो स्ट्रीमर्स बैच हुआ करता था वो जो है गाइज सिर्फ और सिर्फ प्रोफाइल के ऊपर दिखाई
लिखा ही करता था, लेकिन उसके ऊपर जो है गाइस आप लोग फॉलो भी कर सकते थे, लेकिन वी बैच वाले पे गाइस आप लोग फॉलो नहीं कर सकते हो। ये जो है दो फर्क है, दोनों भी डिफरेंस है दोनों बैचेस के अंदर, लेकिन गाइस दोनों भी बैचेस है वो बहुत रेयर है। सो गाइस मुझे यहाँ पे स्ट्रीमर्स बैच मिले हुए एक या डेढ़ या महीना ही हो चुका था। तब गाइस एक दिन मैं वापस से सोया, वापस से सोने के बाद मैं वापस से सुबह उठा, सुबह उठने के बाद मैं आईडी लॉगिन की, तो गाइस ये चीज मैंने सोची नहीं थी। तब गाइस मेरा जिंदगी का वर्स्ट दिन था गाइस जब मैंने वो चीज देखी। तो जैसे मैंने आईडी लॉगिन की, तब गाइस मेरे आईडी से जो है गाइस स्ट्रीमर्स बैच जो है गाइस हट चुका था। गाइज मुझे जब ना रोना सा आ रहा था और मुझे को डर सा लग रहा था कि गाइज मैंने कुछ गलती कर दी है, इसके वजह से मुझे जो गाइज पार्टनर प्रोग्राम में से हटा दिया है। तो गाइज मैं जो मतलब डर के मारे जो गाइज हमारे पार्टनर प्रोग्राम के जो हमारे सर है उनको मैंने पूछा कि सर मेरे से कुछ गलती हुई है, यानी मेरे से जो स्ट्रीमर्स बैच हटा दिया क्या सीन हुआ, मेरे आईडी से क्यों हटा, क्योंकि बाकी के स्ट्रीमर्स के जो गाइज स्ट्रीमर्स बैच थे वो तो दिख रहे थे ठीक है, लेकिन मेरा ही हट गया था। तो गाइज मैं इतना मतलब कंफ्यूजिंग था ना, मतलब इतना डरा हुआ था, मतलब मेरे को निकाल दिया पार्टनर प्रोग्राम में से, ऐसा वैसा कुछ भी सोच रहा था मैं, मतलब नेगेटिव थिंक आ रही थी गाइज दिमाग में। तो गाइज मैंने जब सर से पूछा, तब हमारे सर ने बताया मुझे कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है नयन, हम लोग जो है अपने पार्टनर्स के लिए नया बैच जो है गाइज तैयार कर रहे हैं ठीक है। तो ऐसे करके मुझे रिप्लाई आया, तब गाइज मैं खुश हुआ। और फिर खुश होने के बाद में सर ने बोला कि एक महीना तो बिना बैच के रहना पड़ेगा ठीक है तुम सब पार्टनर्स को, और उसके बाद में जब हम नया बैच देंगे तब गाइज मतलब आप लोगों को नया बैच देखने को मिलेगा आपके आईडी पे, वो बैच जो है इससे 10 गुना अच्छा रहेगा, ऐसा हमें बोला गया। तो गाइज मैं तो बहुत खुश हो गया कि गाइज चलो एक महीना तो विदाउट बैच निकाल ही लेंगे। तो मतलब बहुत सारे बंदे जो है गाइज मेरे को ट्रोल करने लग गए, बोलने लगे कि नयन एसएसएन को पार्टनर प्रोग्राम में से बाहर निकाल दिया गया, ये वो बकचोदी पेलने लग गए। तो गाइज मेरे को थोड़ा सा बुरा लगता था, लेकिन मैं गाइज वो इग्नोर करता था। जो गाइज ना मतलब जब वी बैच आया गेम के अंदर ठीक है, तो वी बैच गलती से गाइज रैंडम बंदों को चला गया, मतलब एक महीने का वेट किया गाइज मैंने विदाउट बैच ठीक है। फिर उसके बाद में जब वी बैच आता है, जब नया बैच, जब हम लोगों को बोला जाता है कि तुम लोगों को जो है वी बैच मिलेगा, नया बैच आया है, तो वो बैच किसी को भी रैंडम पर्सन को मिल जाता है और गाइज मुझे मिलता ही नहीं, पैसा बर्बाद। तो गाइस तब आप लोगों के ऊपर कितनी बुरी भी मतलब दिल से बुरा लगता है गाइस, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना किसके किसके आईडी पे और किसके किसके दोस्तों के आईडी पे गलती से वी बैच जब आया था नया तो वो गलती से चला गया था। सो गाइज वापस से मैंने सर से बात करी, मैंने बोला सर ये यार ये क्या हो गया, तो सर ने बोला मुझे कि एक महीना और दो, एक महीने में हम लोग सब ठीक करेंगे। फिर गाइज फाइनली दो महीने विदाउट बैच के रहने के बाद में गाइज एक दिन वो आया कि गाइज जिस दिन मेरे को वी बैच मेरे आईडी पे आ गया, फिर गाइज मैं इतना खुश हुआ करता था। बेले की नागिन निकाली। सो गाइज मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा कि गाइज मेरे को परमानेंट बंडल जो मेरा फ्री फायर का है ठीक है, तो गाइज वो मैंने कैसे बनाया, और गाइज वो इलेक्ट्रिक शॉक बंडल जो है गाइज मेरे को जैसे मिला तब मैंने जो गाइज अपना परमानेंट बंडल जो है गाइज कैसे चेंज। उससे पहले जो गाइज अगर आप लोगों ने वीडियो को पसंद आ रहा है तो गाइज लाइक नहीं किया तो गाइज जल्दी से लाइक करो, और गाइज चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या ही कर रहे हो, सब्सक्राइब करो। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक लूडो इवेंट आया था, तो गाइज लूडो इवेंट आने के बाद में गाइज मेरे को जो इलेक्ट्रिक शॉक बंडल है गाइज वो बहुत रेयर हुआ करता था, वो बंडल जो है गाइज मेरे को यहाँ पे मिला। वो मिलने के बाद में गाइज वो मैंने टाक से क्लेम किया, क्लेम करने के बाद गाइज ये देखो ये वाला जो गाइज मेरा परमानेंट लुक था पुराना वाला, वो मतलब मैं वही हेयर स्टाइल पहनता था। फिर गाइज मेरे को जब ये मतलब ये मिला, बंडल मिला, तो गाइज मैं कसम से इतना खुश था। ये बंडल में तो कुछ खास नहीं था, लेकिन गाइज जब मेरी हेयर स्टाइल मैंने चेंज करी ना हिप हॉप बंडल के ऊपर, तब गाइज मेरा जो मतलब अलग ही लेवल का गाइज यहाँ पे लुक बना, गेम का लुक बना ठीक है। तो गाइज मैंने वो अपना परमानेंट लुक इस तरीके से क्लेम किया, और उसके बाद में जो गाइज मैंने यहाँ पे हेयर स्टाइल लगा के देखी, तो गाइज मेरे को पहले ही नज़र में गाइज इतना तगड़ा लगा, देखो गाइज यहाँ पे मैंने पहले बार हेयर स्टाइल लगाई, और हेयर स्टाइल लगाने के बाद मेरे को पहले ही नज़र में मेरा लुक इतना तगड़ा लगा ना, तो गाइज उसके बाद से मैंने लुक अपना परमानेंट लुक चेंज किया ही नहीं। तो गाइज बस मैंने अपने परमानेंट लुक के अंदर गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो शूज़ के अंदर चेंजेस किया तब और अब, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो तब स्ट्रीमर्स बैच नहीं था, कुछ नहीं था। फिर गाइज मैंने यहाँ से शुरुआत करी अपनी जर्नी से। तो गाइज अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एम जो है गाइज पूरा कर देना 100K का, और गाइज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज जल्दी से सब्सक्राइब करना। अगर आप लोगों को पार्ट टू चाहिए तो फटाक से कर दो, तू जीचे। और गाइज एक और चीज़ है गाइज कि दिन में सिर्फ मैं एसएसएन आर्मी पे एक ही वीडियो डालता हूँ ठीक है। तो गाइज अगर आप लोगों को ऐसी और भी वीडियोस देखनी है एंटरटेनमेंट वाली मेरे को गाइज आप लोग बहुत अच्छी तरीके से मीन्स चाहते हो और गाइज मेरे वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो गाइज मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ फेसबुक की, तो जल्दी जाना है फेसबुक पे, फेसबुक पे बिल्कुल इसी तरीके से जो गाइज क्लिक करना है डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में क्लिक करने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, उधर बस गाइज आप लोगों को सिंपली जो है गाइज फॉलोइंग का बटन दबा देना है, और गाइज पेज को लाइक करना है फेसबुक के, और गाइज वो करते ही गाइज आप लोगों को जो है फेसबुक पे भी मेरे अलग अलग वीडियोज में डालने वाला हूँ, क्योंकि गाइज मैं फेसबुक पे भी शुरू कर रहा हूँ अपना
करियर। तो गाइज एक नया करियर स्टार्ट कर रहा हूँ फेसबुक पे, तो गाइज आप लोग जरूर सपोर्ट करोगे, मुझे पता है। जल्दी जाओ गाइज फेसबुक पे फॉलो करो, वहां पे गिवअवेज होंगे, गेम प्ले होगा, फनी वीडियोस होंगे, जिस तरीके से गाइज जो आप लोगों को यहाँ पे यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे वो आप लोगों को फेसबुक पे मिलेंगे। यूट्यूब पे अलग कंटेंट डालूंगा, फेसबुक पे अलग कंटेंट डालूंगा, तो जल्दी जाओ फेसबुक पे फॉलो कर दो गाइज। जो जो बंदों ने अभी तक नहीं किया है तो जल्दी जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक लेके फटाक से फटाक फॉलो कर लो।